अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर है और पिछले साल एग्जैक्ट इसी दिन मैं दुबई गया था, जहाँ पर मैंने अपना पहला ब्लॉग भी बनाया था। मैंने उस दिन एक नियत किया था कि मैं इंशाल्लाह रोज़ाना कुरान उसके ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक मेरा एक भी दिन स्किप नहीं हुआ जब मैंने कुरान बगैर तर्जुमे के साथ पढ़ा हो। मैं ये बताना थोड़ा शो ऑफ लग रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं कुछ पिछले 3 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ, उतना कंसिस्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे इस बारे में भी बात करना चाहिए और वही मैं आज बताना चाहता हूँ। आजकल के हालात जो है उससे हम अच्छे से वाकिफ़ है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो बुरे हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी थे, उसके बाद भी थे, आज भी और शायद कल भी रहेंगे, वो हम बदल नहीं सकते। बट अगर हम कुछ बदल सकते तो वो अपने आप को है, और ख़ुद को बदलने के लिए कुरान से बेहतर और कोई किताब नहीं हो सकती। बेशक कुरान में टोटल 6,666 आयत है, अगर हम रोज़ 20 आयत भी पढ़े उसके ट्रांसलेशन के साथ, जो कि मुश्किल से 10 मिनट लेंगे या उससे भी कम, तो हम पूरे साल में कुरान तर्जुमे के साथ आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कुरान को हम ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास उतना इल्म नहीं है उसको समझने के लिए, बट अल्लाह कुरान में खुद फरमाते हैं कि कुरान हमने आसान जबान में उतारा है ताकि आप उसको समझ सको। स्टिल उसमें कुछ बातें ऐसी है जो हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते, लेकिन अगर जहाँ पर कुछ बातें ऐसी है जो हम नहीं समझ सकते, तो 50% बातें ऐसी भी है जो हम वर्ड बाय वर्ड आसानी से समझ सकते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे 150 सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से अगर एक इंसान भी ये आदत अपने अंदर लेकर आए तो मेरे लिए उससे बढ़कर और कोई बात नहीं होगी। कुरान पढ़ने के लिए मैं जो पर्सनली ऐप यूज़ करता हूँ आई कुरान, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको प्ले स्टोर से परचेस कर सकते हो। आई सजेस्ट कि आप परचेस करो क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ये वीडियो उस ऐप के प्रमोशन के लिए नहीं है, वो ऐप मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, मकसद बस ये है कि आप कुरान डेली पढ़ो, उसके तर्जुमे के साथ पढ़ो। इसके अलावा मैं वीडियोस तो बनाता रहता हूँ, इंशाल्लाह आगे भी बनाऊँगा। आजकल मुझे इतना वक्त नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगा। इस पूरे साल में मैंने जितना कुरान पढ़ा है उसमें से एक आयत मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, सूरह बकरा की आयत 155 है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात वबशिरिस साबिरीन, कि अल्लाह हमारा इम्तिहान लेंगे भूख से, खौफ से, माल जान और अनाज के नुकसान से, और उस दौरान जो लोग सब्र करेंगे उन लोगों को अल्लाह की खुशनुदी की बशारत सुना दो।